तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप लोग नॉर्मल वीडियो को ना हाई फेस स्मूथ कर सकते हो। तो सिंपल आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक सिंपल से वीपीएन को कनेक्ट कर लेना होगा सिंपल से। तो हम लोग कुछ इस टाइप से इस वाले वीपीएन को हम लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं। एंड आप लोग कोई सा भी एक वीपीएन को डाउनलोड करके एंड उससे आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों कनेक्ट हो जाने के बाद सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे। सो दोस्तों बैक आ जाने के बाद सिंपल से हम लोग कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। सो दोस्तों कैपकट ऐप को ओपन कर लेने के बाद सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे एक बार गाइस क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल से आप लोगों को लास्ट में कैपकट नाम का वाटर मार्क दिखेगा, तो उसको आप लोग सिंपल से डिलीट कर लीजिएगा। सो दोस्तों डिलीट कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग एक बार वीडियो पर टैप करके एंड गाइस यहाँ से ना आप लोग को एक आप लोग सबसे पहले वॉल्यूम को आप लोग गाइस कुछ इस टाइप से -0 करके यहाँ से आप लोग रिटच वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आप लोग इसको इवेंट को ना आप लोग इसको इवेंट को 100 कर लीजिएगा। सो दोस्तों 100 कर लेने के बाद सिंपल से पंप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप लोग भी 100 कर लीजिएगा एंड स्मूथ आप लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सिंपल से हम लोग भी स्मूथ को भी हम लोग 100 कर ले रहे हैं, आप लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सो दोस्तों सिंपल से स्क्रीन टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड दोस्तों स्क्रीन टोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट वाले टोन को हम लोग सेलेक्ट करके एंड कुछ स्टेप से थोड़ा बहुत हम लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। सो दोस्तों हम लोग 60 का अराउंड रख ले रहे हैं एंड आप लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से यहाँ से बैक आ जाइएगा। एंड गाइस यहाँ से ना आप लोग एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड सेचुरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड कुछ इस टाइप से थोड़ा सा सेचुरेशन को प्लस कर लीजिएगा। सो दोस्तों हम लोग 9 के अराउंड रख ले रहे हैं, तो सिंपल से शार्पन को आप लोग 100 पे कर लीजिए, यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग ना सिंपल से एक बार वीडियो क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों सिंपल से आप लोग देख ही सकते हो, जो आप लोगों का वीडियो होगा ना वो इनहेंस होना चालू हो जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों का वीडियो है ना वो 4K एंड 2 में आप लोग ना HD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से वेट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो हम लोग का 95% हो गया, तो सिंपल से हम लोग 5% और होगा हो जाएगा ना गाइस। तो आप लोग जो वीडियो है ना वो सिंपल से गाइस आप लोग का जो वीडियो होगा ना वो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग का 4K एंड 2K में कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग ना क्या कर लीजिएगा, एक बार अपने वीडियो को प्ले कर लीजिएगा एंड यहाँ से ना आप लोग सिंपल से यहाँ से ना आप लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग को ना सिंपल से फर्स्ट वाले जो इफेक्ट होगा ना उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग अपने वीडियो अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा या रील्स में या वीडियो में, आप लोग इंस्टाग्राम जो रील्स होता है ना उसमें आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट करके एंड थोड़ा बहुत हम लोग साइज को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे एंड यहाँ से ना हम लोग सेटिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले रहे हैं एंड आप लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों हम लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अपने वीडियो को अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग इतना हो जाने के बाद ना इसको ना आप लोग अपने पूरे वीडियो में ऐड कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। सो दोस्तों सिंपल से यहाँ से ना फिर से हम लोग अपने वीडियो को एक बार प्ले करके वॉच करते हैं, तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से इस वाले इफेक्ट को लगाते ही आप लोगों का जो वीडियो है ना गाइस अच्छे तरीके से एडिट हो जाएगा। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है,
तो सिंपल से आप लोग वीडियो को अपने 2K एंड 4K में कर लीजिएगा एंड यहाँ से ना आप लोग वीडियो को अपने एक्सपोर्ट कर लीजिएगा गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।